क्या है? अनाथालय में मेरा दोस्त भोला बहुत बीमार है, मेरे साथ चलिए नहीं तो मर जाएगा। कौन है ये मनहूस जो ऐसे शुभ समय पर मरने की खबर लेकर आया है? तुम जाओ बेटे, मैं अभी नहीं आ सकता। जमींदार जी, डॉक्टर साहब से कहिए ना मेरे साथ चले, मेरे भोले को बचा ले। इस छीछड़े को अंदर किसने आने दिया है? जमींदार जी, आप तो हमारे पिता जैसे, बेटे की बात मान लीजिए ना। घबराओ नहीं श्याम, डॉक्टर साहब जरूर चलेंगे। चलिए डॉक्टर, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। चलिए आओ श्याम। देखा डैडी, हमारी परवाह नहीं, लेकिन उसे तीन लड़के की है। घबराओ नहीं बेटी, रस्सी के बल निकालना मुझे भी आता है। पापा, श्याम कहाँ गए? उसे साथ नहीं गए? वो अनाथाश्रम से भाग गया, न जाने कहाँ चला गया। भाग गया? मेरे कर्मों की सजा मुझे इसे जीवन में मिल रही है, क्योंकि मैंने उसे उसकी माँ से जुदा किया था। बाबा, मुझे मेरा शाम कभी नहीं मिलेगा। रो मत बेटी, भगवान हमें इतनी कड़ी सजा नहीं देंगे। डॉक्टर, कैसा ये बच्चा? अभी कुछ नहीं कह सकता। तो इस तरह यतीमों की देखभाल करते हो? अगर इस बच्चे को कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? जी मैं। शट अप। डॉक्टर साहब, भोले को अच्छी दवा दी है ना, जब तक ये ठीक ना हो जाए आप यहाँ से ना जाना। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं हूँ। देख भोला, जमींदार जी खुद तुम्हारे लिए डॉक्टर लेकर आए हैं। श्याम, इनको क्यों कष्ट दिया? अब मैं और किसी को दुख नहीं दूंगा। मैं किसी कन्या के पास जा रहा हूँ, मैं उनसे कह दूंगा कि वो तुम्हारे लिए एक माता और एक पिता भेजे। ऐसी बातें क्यों करता है तू? मुझे माँ नहीं चाहिए, मुझे पिता नहीं चाहिए, सिर्फ तू चाहिए मुझे। नहीं, मुझे किसी कन्या बुला रहा है। शाम, तू रोज जो भजन गाता है ना, आज भी गाना। कैसे गाओ भोले, देखता नहीं, मेरी आंखों में तो आंसू है। श्याम, एक बार मेरा दोस्त नहीं है तू, बस एक बार, फिर कभी नहीं कहूंगा। अच्छा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो खिल सके ना वो फूल है तुम्हारे चरणों की धूल हम है। जो खिल सके ना वो फूल है तुम्हारे चरणों की धूल। तुम्हारा भोला चला गया। भोले, हाँ, अकेला कहाँ जा रहा? मुझे भी साथ ले चल। तोड़ दी दोस्ती, तू तो कहता था मैं तो
श्याम, श्याम रो नहीं। जमींदार जी, मेरी माँ नहीं है, मेरे पिता नहीं है, एक बूढ़ा था वो भी छोड़कर चला गया, अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं कहाँ जाऊंगा जमींदार जी। मैं तुम्हारे साथ हूँ श्याम, तुम अनाथ नहीं हो, तुम अनाथ नहीं हो। मैं समझता था दुनिया में सिर्फ खुदगर्जी है, प्यार नाम को नहीं, लेकिन इस अनाथ आश्रम में दो बच्चों का प्यार देखकर समझा हूं कि जिंदगी कुछ देने के लिए है, लेने के लिए नहीं। मैं जिंदगी से भाग रहा था, लेकिन श्याम तुमने मेरे जीने की एक नई उमंग पैदा कर दी है। मैं तुझे हमेशा अपने पास रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। रोइए नहीं जमींदार जी। श्याम,